हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, कल जिस तरीके की गर्मजोशी भारत के प्रधानमंत्री और इसराइल के प्रधानमंत्री में देखने में मिली, वो स्पष्ट तौर पर अगले दिनों में भारत और इसराइल के बीच में जो भी घटनाएं होनी है, जो भी मुलाकात होनी है या जो भी बैठक होनी है और बातचीत होनी है, उसकी कहीं ना कहीं दशा और दिशा तय कर चुका है। ऐसे में इस वक्त सीधे दृश्य हम देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस वक्त औपचारिक स्वागत किया जा रहा है और राष्ट्रपति भवन सज चुका है अपने इस दोस्त के स्वागत के लिए। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल वो भारत पहुंचे और इस वक्त राष्ट्रपति भवन तैयार है अपने इस अतिथि, इस खास मेहमान का स्वागत करने के लिए। सुधाकर, हम ये दृश्य देख सकते हैं सीधे राष्ट्रपति भवन से, तो राष्ट्रपति भवन इस वक्त तैयार दिख रहा है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के स्वागत करने के लिए। जी बिल्कुल ममता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी यहाँ पहुंच चुका है उनकी आगवानी के लिए, और ये परंपरागत स्वागत है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा, और निश्चित तौर पे जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारत इसराइल रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत है, और खासतौर पे जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान जो नींव रखी गई थी, उस नींव को और मजबूत करने का काम ये पीएम नेतन्याहू की यात्रा के दौरान हुआ है, और वो लगातार गर्मजोशी जो शीर्ष स्तर पर एयरपोर्ट से लेकर हाइफा चौक तक और शाम के डिनर तक जो दिखी, वो गर्मजोशी भारत इसराइल रिश्तों में भी, भारत इसराइल सहयोग के जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं, जो तमाम पक्ष हैं, उसमें भी दिखने वाली है। और हमको पता है कि काफी जो व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, और काफी कुछ जो साझेदारी के जो तमाम पहलू हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शीर्ष स्तर पर संवाद की बात नहीं है, सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात नहीं है, सिर्फ जो व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, कह सकते हैं जो तमाम आयाम हो सकते हैं, डिफेंस का पहलू है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, जो जल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की बात है, इनोवेशन की बात है, स्टार्टअप की बात है, तो काफी कुछ है इस बार फ्लैटर में कह सकते हैं दोनों देश जिस पर आगे बढ़ने वाले हैं, और काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों का ये के लिए आने वाला जो समय है उसके लिए। सुधाकर, आज सुबह भी हमने देखा कि जिस भी भारत के निवासी ने, जिसने भी आज अखबार खोले होंगे, आज हेडलाइंस रही हैं कि किस तरीके से भारत अपने इस विशेष मेहमान का और खास दोस्त का स्वागत कर रहा है। आज सभी अखबार, पूरा मीडिया पटा हुआ है इस बात से, और वो दृश्य जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, बहुत कुछ बयान कर रही हैं आज ये तस्वीरें। ऐसे में अगर हम इस बात को समझने की भी कोशिश करें, प्रधानमंत्री नेतन्याहू बस राष्ट्रपति भवन पहुंचने ही वाले हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन कितना पुराना और कितना प्रगाढ़ है इसराइल के साथ हमारा रिश्ता, जिसके आधार पर हम आज और आने वाला कल रेखांकित कर सकते हैं। जी बिल्कुल ममता, अगर ऐतिहासिक तथ्यों के नजरिए से देखें तो 17 सितंबर 1950 को इसराइल को मान्यता दी थी एक तरह से भारत ने, और वो 17 सितंबर 1950 प्रधानमंत्री मोदी का भी जन्मदिन है, तो अब उस लिहाज से देखें तो रिश्ते किस कदर पीछे जाते हैं। 1992 में हालांकि जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो पूरे राजनयिक संबंध है, वो स्थापित हुए थे, और उसके बाद से ये 25 वर्षों का सफर है, काफी आगे हम बढ़े हैं, और जो तमाम पहलू है रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो इसराइल बहुत बड़े साझेदार देशों में से है भारत के लिए, और खासतौर से क्योंकि सिर्फ सहयोग और संबंधों व्यापारिक रिश्तों की बात नहीं है, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मौके पर, हर मोर्चे पर इसराइल खड़ा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जो एयरपोर्ट पर अगवानी करने गए थे, ममता हमको ये नहीं भूलना चाहिए, पीएम मोदी जब जुलाई में इसराइल की यात्रा पर गए थे तो किस कदर गर्मजोशी से पीएम नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया था, सिर्फ वो एयरपोर्ट पर नहीं आए थे, हर एक कार्यक्रम में हर पल साए की तरह उनके साथ मौजूद रहे, और कहीं ना कहीं एक उसको रिप्लिकेट पीएम मोदी भी जो भारत का की स्वागत की परंपरा है, सम्मान की परंपरा है, उसको दर्शा रहे हैं। निश्चित तौर पर शीर्ष नेताओं के बीच जब संबंध होते हैं तो
उसका फायदा दोनों मुल्कों को जरूर मिलने वाला जी है सुधाकर। और इस बार भी प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये दौरा भी यादगार रहे और ऐसे बहुत सारे लम्हे उनके इस दौरे के साथ भी जोड़े जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं ना सुधाकर की मुश्किल की अच्छे दोस्त की जो पहचान है वो मुश्किल के वक्त ही होती है। ऐसे में हम जरूर याद करना चाहेंगे करगिल के वक्त को जिस वक्त इसराइल ने आगे बढ़कर हमारी सहायता की और बहुत हद तक हमारी जीत में जो उन्होंने लेजर गाइडेड मिसाइल्स दिए और अन्य तरीके से जिस तरीके से हमारी सहायता की वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। किस मायने में देखा जाए इसराइल के साथ हमारे संबंधों को इस परिपेक्ष में भी कि मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया। जी बिल्कुल। और ममता देखिए क्योंकि कारगिल तो 14-15 साल पहले की बात है लेकिन अगर उससे पीछे जाए कल हाइफा के जो वीरों को श्रद्धांजलि दी दोनों प्रधानमंत्रियों ने ये एक तरह का रिश्ता है इतना पीछे जाता है इतना पुराना रिश्ता है। विश्व युद्ध के समय में वो साझेदारी शुरू हुई थी वो साझेदारी अब तक आगे बढ़ी। आप अगर इन रिश्तों को देखें जिस तरह से भारत और इजराइल के बीच रिश्ते रहे हैं कहीं ढके छिपे तौर पर रहे हैं उसको जो कह सकते हैं कि फुल पोटेंशियल जो उन रिश्तों का उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया बावजूद इसके कि इजराइल हमेशा से भारत का एक बहुत भरोसेमंद साझेदार रहा है। कारगिल की बात आपने की और तमाम मोर्चे आतंकवाद के मोर्चे पर हो जो खुफिया तंत्र को मजबूत करने के मोर्चे पर इजराइल से जो हमारा साझा सहयोग रहा है वो तमाम मोर्चे हैं जो रणनीतिक जरूरतें हैं सामरिक जरूरतें हैं भारत की उसमें इजराइल की जो साझेदारी रही है उसको आगे बढ़ाने की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से उसमें कह सकते हैं एक नई जान फूंकी गई जो पूरे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 25 वर्षों का वो एक सीधे नई ऊंचाई पर पहुंचे और अब उसको कैसे आगे बढ़ाना है तमाम क्षेत्रों की बात है क्योंकि इसराइल तैयार है भारत के साथ तमाम क्षेत्रों में खासतौर से अगर देखें तो इसराइल एक ऐसा देश है स्टार्टअप की बात हो इनोवेशन की बात हो भारत काफी कुछ सीख सकता है और भारत के पास जो मानव क्षमताएं हैं जो कह सकते हैं एक ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी का पूरी दुनिया में माना जाता है तो वो इसराइल को भी काफी कुछ दे सकता है। ऐसे में काफी नजदीक आने की संभावनाएं थी इन संभावनाओं को अब आगे बढ़ा रहे हैं दोनों प्रधानमंत्री जी। और सुधाकर इसी वजह से आज भारत भी कह रहा है शालोम बेन्यामिन नेतन्याहू। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये बात कही है कि भारत मेरा करीबी दोस्त है वो ये कहते हैं कि भारत के साथ जो संबंध है वो संयुक्त राष्ट्र में एक वोट से कहीं ज्यादा मजबूत हैं तो एक परिपक्वता का परिचायक बन जाती हैं ये बातें दोनों देशों के रिश्तों में क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी स्पेस भी है इंटरनेशनल अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करते हैं अपनी अपनी स्पेस रखते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं दोनों देश ये कितना महत्वपूर्ण दिखता है। जी बिल्कुल। आप देखिए जब पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया था उसके बाद पहली मुलाकात उनकी बेंजामिन नेतन्याहू से संयुक्त राष्ट्र संघ के में जब वो गए थे 2014 में उस वक्त हुई थी और उसके बाद से काफी हद तक जो साझेदारी जो है तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो और या फिर दूसरे बड़े मंचों उन मंचों पर लगातार बढ़ रही है। और इसराइल हमेशा से जो भारत की जो नीतियां रही हैं भारत का जो संदेश रहा है चाहे आतंकवाद की बात हो आतंकवाद के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा पुरजोर सहयोगी रहा इसराइल दोनों देश हैं जो आतंकवाद का दंश दिल रहे हैं हमको पता है और ऐसे में ये एक स्वाभाविक साझेदारी भी बनती है। लेकिन पुरजोर तरीके से भारत ने आतंकवाद के मोर्चे पर एक जो पूरी मुहिम शुरू की है दुनिया में उसमें बहुत बड़ा साझेदार भारत का इसराइल रहा है चाहे उसके अलावा पर्यावरण जैसे तमाम मुद्दे हैं उसमें काफी आगे बढ़कर इसराइल भारत का सहयोग कर रहा है। वो सिर्फ कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत के साथ तो खड़ा ही इसराइल लेकिन इसके अलावा जो तमाम और मुद्दे हैं भारत में कृषि की बात है प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि जो किसानों की आय दुगुनी बनाई जाए उसके लिए तमाम इनोवेशन की जरूरत है स्टार्टअप की जरूरत है उस क्षेत्र में बहुत बड़ा साझेदार इसराइल बन रहा है। 1 जुलाई की यात्रा के दौरान भी तमाम इस संबंध में समझौते हुए थे। एक चौथे फेज का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर कहें तो चौथे फेज में किस तरह से चौथे चरण की एक कार्रवाई है उसको अंजाम दी गई थी। इनोवेशन के क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में कह सकते हैं इसराइल एक ऐसा मुल्क है इनोवेशन में काफी कुछ काम किया है यूनिवर्सिटीज में स्टार्टअप और इनोवेशन का
एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जी, गया। बिल्कुल, लगभग 700-800 स्टार्टअप्स हैं इसराइल के अंदर, और इनोवेशन और स्टार्टअप्स एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है, और इसके जरिए वो चाहते हैं कि हमारे देश के युवा भी आगे बढ़ें और इनोवेशन के जरिए नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट करें और जॉब गिवर देने कोशिश करें, दूसरों को नौकरी दें, इस तरीके से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है सुधाकर, कि आमतौर पर अभी तक हम जैसा देखते आए हैं कि दो देशों के बीच में जब कूटनीतिक स्तर पर वार्ताएं होती हैं, समझौते होते हैं, तो उसके बाद जमीन तक वो कितना उतर पाते हैं, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। खासतौर पर अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं या करते हैं विदेशों में जाकर, और जो देश में आकर करने की कोशिश करते हैं, उससे सीधे उनकी कोशिश होती है कि जो भी लाभ होते हैं समझौतों के वो निचले पायदान तक मौजूद व्यक्ति तक पहुंचे। इस संदर्भ में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसराइल किन मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, और दशकों पहले ही इसराइल ने सौर ऊर्जा में कदम आगे बढ़ा दिए थे। इन मायनों में अगर हम देखें तो किस तरीके से आम जन की बेहतरी के लिए रास्ते पुख्ता करता है इसराइल और भारत का संबंध? मुझे बिल्कुल ममता, और देखिए पीएम मोदी की जो विदेश नीति की पूरी यात्रा रही है, एक तरह से कह सकते हैं भारत की विकास नीति का वो जरिया बना है, और उनकी जो भी विदेश यात्राएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच जरूर रहती है कि इसके मार्फत भारत को किस तरह से, खासतौर से भारतीय किसानों को किस तरह से फायदा होने वाला है, भारत में किस तरह से रोजगार बढ़ने वाला है, भारत में किस तरह से निवेश होने वाला है, तो ये पूरी उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु रहा है, आधार रहा है। और मैं आपको ममता बताना चाहता हूँ कि जो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उनका काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, राष्ट्रपति के जो घुड़सवार अंगरक्षक है वो आगे आगे चल रहे हैं, और उनके ठीक पीछे जो पीएम नेतन्याहू का काफिला है, पीएम मोदी खुद उनकी आगवानी के लिए पहुंच चुके हैं, और जो तमाम जो विदेशी अतिथि हमारे आते हैं इसी तरह से उनका एक परंपरागत स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और एक बड़ा मौका, सिर्फ ये स्वागत समारोह नहीं है, रिश्तों के सिर्फ नए युग की शुरुआत नहीं है, कहीं ना कहीं अब यहाँ से काफी आगे बढ़ने की गुंजाइश है दोनों देशों के लिए, और दोनों देशों ने जिस तरह से तय किया है, शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से तय किया है, अब जरूर मुमकिन है कि ये जो गर्मजोशी शीर्ष नेतृत्व के बीच दिखाई दे रही है, उस गर्मजोशी का फायदा दोनों मुल्कों के नागरिकों को मिलने वाला है, चाहे अर्थव्यवस्था का मसला हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, तमाम मोर्चों पर आप कह सकते हैं। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं इस वक्त भारत और इसराइल संबंधों की अगर बात करें ममता, तो उसके ऐतिहासिक पल हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, और कह सकते हैं ये पहली बार ऐसा मौका है कि जब इस उफान पर पहुंचे हैं भारत और इसराइल के संबंध। जी बिल्कुल, और ये दृश्य हम देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से, और घुड़सवार आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की गाड़ी यहाँ पर रुक चुकी है, और ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ राष्ट्रपति भवन में उनके औपचारिक स्वागत समारोह से पहले एक बार फिर उनका स्वागत किया, और ये शेक हैंड में जो गर्मजोशी नजर आ रही है ये लगातार बरकरार है, और आने वाले दिनों में कई ठोस तरीके से हमें जमीन पर उतरती नजर आ सकती है तमाम समझौतों के तहत। तो राष्ट्रपति भवन आज गवाह बन रहा है एक और ऐतिहासिक लम्हे का, जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का इस वक्त औपचारिक स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। 25 वर्षों के कूटनीतिक संबंधों को नए आयाम दे रहा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये भारत दौरा।
से चले हजरत कुमार। भारत और इसराइल दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के औपचारिक स्वागत समारोह की शुरुआत हुई और इस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तेज धूप खिली हुई है इस वक्त राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, जो दोनों देशों के रिश्तों की गर्माहट को और ज्यादा मायनों में रेखांकित कर रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। अभी हमने देखा कि ये औपचारिक स्वागत समारोह किस तरीके से आगे बढ़ा और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हैं और इस वक्त यहाँ मौजूद सभी डिग्निटरीज का से मुलाकात करवा रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं। यूं तो बहुत सारे राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं जिनका यहां पर इस तरीके से औपचारिक स्वागत किया जाता है, लेकिन जब किन्हीं दो देशों के रिश्तों के साथ दोस्त और दोस्ती जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो इन रिश्तों को बहुत ही व्यापक आयाम मिल जाते हैं और इसराइल के साथ ये व्यापक आयाम तभी से जुड़े हुए हैं जब से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई और उससे पहले भी, चाहे हम 1971 के युद्ध की बात करें या उससे पहले के हाइफा युद्ध की बात करें, दोनों देशों के संबंध लगातार इन घटनाओं के जरिए और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे हम बात कृषि की करें, चाहे हम बात जल प्रबंधन की करें, चाहे हम बात साइबर सिक्योरिटी की करें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसराइल अग्रणी देशों की श्रेणी में शुमार है और ये वो क्षेत्र हैं जिनसे भारत काफ़ी लाभ उठा सकता है, भारत के किसानों को, आवाम को बहुत फ़ायदा मिल सकता है और इसके साथ साथ भारत में जो भी बड़ा बाजार उपलब्ध है और भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा भी इसराइल उठा सकता है। दोनों देश, दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रिश्ते, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कारक कोई बड़ा फैक्टर नहीं बन रहे, क्योंकि दोनों देश अपने अपने जगह पर अपने अपने देशों की बेहतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किया जाना चाहिए उन्हें निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक भी हैं और प्रतिबद्धता भी दिखा चुके हैं और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग परस्पर आगे बढ़ रहा है। और पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया था तो उसके बाद जिन जिन विषयों और क्षेत्रों के तहत सोच आगे बढ़ी है उन्हीं को ठोस आयाम देगी प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ये विजिट, ये दौरा। On of a new era in the great friendship between India and Israel. It began with Prime Minister Modi's historic visit to Israel, which created tremendous enthusiasm. It continues with my visit here, which I must say is deeply moving for my wife and me and for the entire people of Israel. And I think it heralds a flourishing of our partnership to bring prosperity and peace and progress for both our peoples. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
देशों के बीच के जो रिश्ते हैं उन्हें महत्वपूर्ण आयाम मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि दोनों देश के जो रिश्ते हैं और जो दोनों देशों के बीच में बायलेटरल्स बने हैं उनके बाद दोनों देशों की समृद्धि, शांति और प्रगति की दिशा में दोनों देश मिलकर कदम उठा सकते हैं, एक उम्मीद जाहिर की प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने इस संक्षिप्त बयान में। और दोनों देशों के बीच अब से कुछ ही देर बाद जब द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी और समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे तो इस बार कौन से समझौते और कौन से क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा के साथ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। इसराइल और भारत दोनों देशों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं और अपने इन मजबूत पक्षों के साथ एक दूसरे की सहायता और सहयोग के साथ साथ एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं दोनों देश। और ऐसे में जहां एक ओर इसराइल चाहे एक छोटा सा देश है लेकिन जिस तरीके की तकनीकी काबिलियत ये देश रखता है और जिसकी भारत को भी जरूरत है उन मायनों में ये दोनों देशों का सहयोग, भारत और इसराइल का सहयोग कई दिशाओं, कई क्षेत्रों में बहुत आगे तक जा सकता है। और इसी दिशा में देखा जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये दौरा भी देखा जा रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति भवन से रवाना हो रहे हैं और कुछ ही देर पहले हमने देखा कि यहाँ उनका औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस वक्त हमारे संवाददाता सुधाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर,